लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ वासियों को जय जोहार। मुझे खुशी है आपके साथ ये जानकारी साझा करने में कि छत्तीसगढ़ में कोविड के टेस्टिंग के लिए 3 और लैबोरेटरीज यानी कुल मिला के हम लोगों के जो 6 मेडिकल कॉलेज हैं, 6 मेडिकल कॉलेज में उच्च गुणवत्ता के लैब स्थापित हो गए हैं। राज्य के प्रमुख शहरों में टेस्टिंग लैब के शुरू हो जाने से कोरोना तक पहुंचना अब हो गया है आसान। प्रदेश के 3 शहर रायपुर, जगदलपुर और रायगढ़ में 4 टेस्टिंग लैब पहले से संचालित हैं और अब जरूरतों को देखते हुए 3 और शहर बिलासपुर, राजनंदगांव और अंबिकापुर में टेस्टिंग लैब शुरू किया गया है। इस लैब के स्थापित होने से पहले हमें रियल टाइम पीसीआर के सैंपल या तो रायपुर मेडिकल कॉलेज या फिर रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में भेजना पड़ता था। अब इस लैब के स्थापित होने के बाद 150 से 200 किलोमीटर के एरिया में जितने भी सीएचसी पीएचसी हैं उनके सारे सैंपल्स इस लैब में टेस्ट होने में सक्षम है। यहां संचालित लैब कोई ऐसा वैसा लैब नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित मॉड्यूलर बायोसेफ्टी लेवल 2 की प्रयोगशाला है। यहाँ उच्च गुणवत्ता के उपकरण जांच में प्रयोग किए जाते हैं तो वहीं लैब में काम करने वाले विशेषज्ञों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। सैंपल रिसीविंग के बाद लाइसिस, आरएनए एक्सट्रैक्शन ये सारे करते करते हमको 6-7 आवर्स लग जाते हैं और नेक्स्ट डे जो है हम रिपोर्ट्स पेशेंट को रिलीज कर सकते हैं। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट का लंबे वक्त तक अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार। साथ में हम लोगों ने ट्रू नेट पद्धति से कार्ट्रिज के माध्यम से भी टेस्टिंग चालू की है। हर रोज 10,000 टेस्टिंग के लक्ष्यों के साथ कोरोना से एक कदम आगे रहने की सरकार की रणनीति इस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर साबित होने जा रही है। आप लोगों के लिए ये सुविधाएं काम आएंगी ऐसा मेरा विश्वास है और कोविड के बीत जाने के बाद भी ये लैबोरेटरीज और बीमारियों की जांच के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कोरोना के खिलाफ जंग में छत्तीसगढ़ है पूरी तरह तैयार। छत्तीसगढ़ वासियों को सुरक्षित रखने प्रतिबद्ध है प्रदेश सरकार। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.